All is definitely not well with Pankaj Kapoor's film Mausam, क्योंकि Zoom को highly reliable close sources से पता चला है कि Sonam Kapoor को film Mausam के director Pankaj Kapoor ने film में acting करने के लिए जो check दिया था वो हो गया है bounce. जी हाँ, Zoom के close sources से check का exact amount तो नहीं पता चल पाया, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही Sonam को इस बात का पता चला कि उनका check bounce हो गया है, वो shocked हो गई. ताज्जुब की बात है कि बदलते मौसम के साथ साथ फिल्म मौसम का हाल बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग खत्म हो रही है वैसे वैसे फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2011 को मीडिया में खबर आई सोनम मिफ्ट विद मौसम डायरेक्टर. इस खबर में कहा गया था कि सोनम कपूर डायरेक्टर पंकज कपूर पर जमकर भड़की थी. हालांकि जब पंकज कपूर से जूम ने इस खबर पर बात की तो उन्होंने इसे महज एक रूमर बता दिया. ये सब रूमर्स होती हैं जो फैलती रहती हैं. वी आर वर्किंग वेल एंड वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली टुगेदर. लेकिन इसके बाद भी मौसम का हाल नहीं सुधरा. 22 फरवरी 2011 को जूम को खबर मिली कि फिल्म मौसम के क्रू मेंबर पैसा न मिलने की वजह से शूटिंग छोड़कर जा रहे हैं. हालांकि यहां फिल्म की प्रोड्यूसर शीतल तलवार ने खबर को खारिज किया तो डायरेक्टर पंकज कपूर ने दी अलग ही सफाई. वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स व्हिच रिक्वायर्स अबाउट 120 डेज ऑफ शूट व्हिच इज व्हाई वी नीड टू मेक अरेंजमेंट फॉर दैट काइंड ऑफ शूट टाइम फॉर आवरसेल्फ. इस खबर को आए हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ था कि 17 मार्च 2011 को मुंबई के एक टैब्लॉइड में आई ये खबर. जी हाँ, खबर में लिखा था कि सोनम सेट पर वैनिटी वैन और मेकअप मैन के ना होने से सेट को बीच में ही छोड़कर चली गईं. हालांकि शाहिद कपूर ने खबर को डिनाई किया. And Sonam is a very beautiful part of this film. I can't really clarify what she said or did not say. But it's all good and it's all going very well. Well, शाहिद और पंकज कपूर सफाई देते देते थक गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब तो सोनम कपूर का चेक भी बाउंस हो गया है. नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, आखिर कब ठीक होगा मौसम का मौसम? सलमान खान ने कह दिया है कि अगर आमिर ने फिर शादी की बात की तो उनकी खैर नहीं. लेकिन सलमान के इस कमेंट के पीछे की असली वजह क्या है? वेल, जूम रिवील्स. हाँ, किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे. हाँ, मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा. सलमान खान का ये है अब तक का सबसे दबंग स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है आमिर खान के लिए. आमिर पिछले कुछ दिनों से सलमान की शादी के लिए अपना कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रहे थे. देखिए, मुझे 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 तो इंतजार है सलमान जी की शादी का और मुझे लगता है हम सबको इंतजार है. और जब जिस दिन वो शादी करेंगे वो दिन बहुत खास रहेगा हम सबके लिए. आमिर को सलमान की शादी का इंतजार इतना भारी पड़ने लगा कि उन्होंने होपलेस होकर यहाँ तक कह दिया. किसी बात ने सलमान को मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है. तभी तो आमिर की बात का बदला लेने के लिए सलमान कुछ ऐसा कह रहे हैं. हाँ, किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे. हाँ, मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा. लेकिन अगर आप इसे बॉलीवुड में किसी नए खान वॉर की शुरुआत मान रहे हैं तो ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी. पहले सुन लीजिए सलमान की पूरी बात. हाँ, किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे. हाँ, मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अगेन शादी नहीं. मैं आमिर के हाथ पैर बांध दूंगा जिससे वो दूसरी शादी ना कर पाए. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैरिज इंस्टीट्यूशन में कितना बिलीफ है हमारे सलमान भाई का. शादी ना करने के लिए आमिर को बांधने की बात कहकर सलमान अब की बार ये बात बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि वो ना तो खुद शादी करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे शादी. हाँ, मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अगेन शादी नहीं, ताकि अगेन शादी नहीं, ताकि अगेन शादी नहीं. वैसे आमिर के लिए ये बात भले ही सलमान ने मजाक में कही हो, पर जिस अंदाज में कही है वो बता रहा है कि वो अपने स्टेटमेंट्स में अब पहले से भी ज्यादा दमनगिरी दिखाने लगे हैं. हाँ, मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अगेन शादी नहीं. गॉसिप बाजार में खबरें गर्म है कि अनुष्का शर्मा को बहुत जलन हो रही है रणबीर और सोनाक्षी की दोस्ती से, क्योंकि एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में रणबीर सोनाक्षी के साथ जाकर बैठ गए. देखिए तो सही, इस पिक्चर में रणवीर सिंह किसके साथ जाकर बैठे हैं? पूनम सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा. आपको और हमें ये फोटो बहुत खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन इस पिक्चर को देखकर जल रहा है अनुष्का का दिल.
जी हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैब्लॉइड ऑफ मुंबई, अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही सोनाक्षी और रणवीर सिंह की दोस्ती। वैसे अनुष्का की जलन तो तब शुरू हुई जब करण के चैट शो में रणवीर सिंह ने ये कह दिया कि बॉलीवुड में उन्हें सबसे हॉट गर्ल कोई और नहीं सोनाक्षी सिन्हा लगती है। और तो और, अनुष्का की इनसिक्योरिटी तब ज्यादा बढ़ गई जब सोनाक्षी ने भी बोल दिया कि वो रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहती हैं। और सुनिए, जब रीसेंट फंक्शन में दोनों मिले, एक दूसरे के साथ काफी नजदीकियां बढ़ाते हुए भी नजर आए थे और साथ ही दोनों ने मीडिया के सामने भी जता दी थी एक दूसरे के साथ काम करने की चाहत। अब ये सब देखकर अनुष्का का दिल जलेगा नहीं तो क्या होगा? वेल, होता है अनुष्का, अगर अपने बॉयफ्रेंड को जस्ट फ्रेंड कहो तो कुछ ऐसा ही होता है। लगता है कि विवेक ओबरॉय सुधरने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर सलमान खान पर कर दिया कमेंट। जरा गौर से सुनिएगा आप कि रिपोर्टर ने क्या सवाल पूछा है। कई बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं जो अपने 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 फाउंडेशन है, अपने अपने तरीके से अपने फाउंडेशन की प्रमोशन करते हैं, फिल्म में हो, टी शर्ट हो, घड़ी हो। आप अपने यशोधरा फाउंडेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं प्रमोशन में बिलीव नहीं करता, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ, मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। विवेक ओबरॉय का कहना है कि वो प्रमोशन में बिलीव नहीं करते, वो तो सिर्फ एक्शन में बिलीव करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं कि अपने एनजीओ के लिए बॉलीवुड का कौन सा स्टार टी शर्ट और वॉचेस का यूज करता है। जी हाँ सलमान खान, जब हमें पता है, आपको पता है, तो विवेक को ये बात पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी विवेक ने दे दिया ये जवाब। नहीं, मैं प्रमोशन में बिलीव नहीं करता, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ, मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। तो क्या विवेक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सलमान सिर्फ प्रमोशन करते हैं और वो काम? वेल, विवेक इस सवाल के जवाब पर चुप भी बैठ सकते थे, जैसे वो इसी इवेंट पर बाकी सवालों पर चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। कोई हॉटेस्ट गुरु, कोई योगा का जिसे योगा करने का मन हो, बॉलीवुड में कई लोग योगा कर रहे हैं, विवेक लेकिन जब बारी आई उनके और सलमान के एनजीओ को कंपेयर करने की तो विवेक पीछे नहीं हटे और साफ साफ भेज दिया सलमान को मैसेज कि मैं तुम्हारी तरह प्रमोशन में बिलीव नहीं करता। नहीं, मैं प्रमोशन में बिलीव नहीं करता, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ, मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। विवेक ने इनडायरेक्टली सलमान पर कॉमेंट तो कर दिया, लेकिन शायद विवेक को ये नहीं पता कि सलमान भी प्लैनेट बॉलीवुड देखते हैं और जब सलमान इस खबर को देखेंगे तो उसके बाद कैसे लेंगे विवेक की खबर, ये भी हम आपको इसी शो में जरूर बताएंगे। सो कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में जब प्रियंका चोपड़ा स्टेज पर आई तो कई बार बुलाने पर भी रानी मुखर्जी स्टेज पर नहीं आई। वेल, क्या हो सकती है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। कल था मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन जहां सिंपल और सोबर साड़ी में पहुंची थी रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा भी। वेल, अवार्ड देने के लिए स्टेज पर सबसे पहले रानी मुखर्जी को बुलाया गया। रानी ने अवार्ड लिया ही था कि उसके तुरंत बाद स्टेज पर बुलाया गया प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका स्टेज पर आई और होस्ट ने रानी से गुजारिश की कि वो भी स्टेज पर ही रहे। मैं रानी से भी गुजारिश करूंगा कि वो एक बार स्टेज पे आए। रानी से गुजारिश करते रहे लेकिन वो स्टेज पर नहीं आई। कुछ देर तक उनका इंतजार किया गया और फिर फाइनली प्रियंका को अवार्ड दे दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि उसी वक्त स्टेज से बाहर गई रानी आखिर क्यों नहीं आई प्रियंका के अवार्ड देने के वक्त? इज इट अ जेलस फीलिंग और इट्स अ न्यू ग्रोइंग कैट फाइट ऑफ बॉलीवुड? वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म डबल धमाल के सेट पर, देखे तो सही वहाँ क्या कुछ चल रहा है। यह है फिल्म डबल धमाल के ऑन लोकेशन पिक्चर्स। वह डबल धमाल के सेट पर शूट किया जा रहा है एक सॉन्ग जिसमें सबसे पहली पिक्चर में संजय दत्त नजर आ रहे हैं डैशिंग अवतार में, वेयरिंग जीन्स जैकेट एंड ब्लैक शर्ट। नाउ सी द सेकंड पिक्चर जिसमें संजय दत्त लगता है रितेश देशमुख और मलिका शरावत के साथ सॉन्ग के सीन्स डिस्कस कर रहे हैं। वेल, अब जरा रितेश की सोलो पिक्चर पर तो नजर डालिए। रितेश इज वेयरिंग ब्लैक चेक शर्ट, हाफ जैकेट एंड ब्लैक कैप और मलिका शरावत इस सॉन्ग में भी एज यूजुअल नजर आ रही है शॉर्ट क्लोथ्स में ही। वैसे यहाँ हमें नजर आई फिरंग बेब्स भी। सो ऑल इन ऑल, इन पिक्चर्स को देखकर कहा जा सकता है कि ये सॉन्ग काफी रोमांटिक होगा। कुछ दिन पहले रानी ने जताई थी चुलबुल पांडे बनने की चाहत। अब रानी तो चुलबुल नहीं बन पाई लेकिन हाँ सोनाक्षी जरूर बन गई है।
सोनाक्षी सिन्हा का बुखार उतर ही नहीं रहा। अरे आप गलत समझ रहे हैं, वो वाला बुखार नहीं, हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी के दबंग फीवर की। दबंग को गए हुए काफी दिन हो गए, बट हमने आपको हमेशा दिखाया है कि किस तरह सोनाक्षी घूम फिर कर दबंग की ही बातें करती रहती हैं। अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी पिक्चर जहां सोनाक्षी खुद चुलबुल पांडे बनी हुई है। इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये पिक्चर है सोनाक्षी सिन्हा की। आंखों में चश्मा लगाकर ठुमके लगाती हुई सोनाक्षी बिल्कुल चुलबुल पांडे को कॉपी करती नजर आ रही है। वह ये तस्वीर है शिरीष कुंदर की नेक्स्ट फिल्म जोकर के सेट्स की, जहां सोनाक्षी अक्षय के साथ दबंग वाला चश्मा पहनकर डांस कर रही है। एंड वेल, हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल सलमान खान इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, क्योंकि कुछ दिन पहले रानी ने भी चुलबुल पांडे बनने की बात कही थी। आई लव टू प्ले चुलबुली पांडे, वाओ। हुआ सोनाक्षी, जहां रानी बस ऐसा विश करती रह गई, आपने तो बाजी मार ली। ऋतिक रोशन वैसे तो हमेशा बहुत क्वाइट रहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर भी है, और ये बात जूम पर रिवील की उनकी फिल्म जिंदगी मिले ना दोबारा की स्टार काल्की ने। अपनी मूवीज की तरह काल्की रियल लाइफ में भी हैं काफी बिंदास, और अब उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। इस मूवी में उनके साथ ऋतिक, कटरीना, फरहान और अभय भी हैं। और जब हमने पूछा सेट्स पर सबसे ज्यादा शैतानी किसने की, काल्की का जवाब था ऋतिक रोशन। ऋतिक इज अ बैड पर्सन, टेरिबल, हेटेड हिम, कुडंट स्टैंड हिम, नो ही इज अ रियली गुड गाय एंड ही वाज ऑलवेज पुलिंग माय लेग एक्चुअली, या लाइक बिकॉज एक्चुअली आई कुड नेवर टेल व्हेन ही वाज बीइंग सार्कास्टिक और नॉट, ही इज लाइक द बॉय हु क्राइड वुल्फ, यू नो, ही कीप्स saying things and then when he's actually being serious he stop believing me, अरे तू झूठ बोल रहा है ऐसे, because he's always playing pranks. तो सुना आपने, प्रैंक खेलने के मामले में ऋतिक भी कम नहीं है। चलिए शुक्र है हमेशा सीरियस रहने वाले और तो और सीरियस बातें करने वाले ऋतिक एटलीस्ट सेट्स पर तो मस्ती करते हैं। Well done ऋतिक, keep it up. सोनम एक बार फिर कांस जा रही है and we are going to tell you what is she going to wear. सोनम कपूर इस बार भी जा रही है कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर अ ब्रांड दैट शी एंडोर्सेस, एंड सोनम्स फैंस आर क्यूरियस टू नो व्हाट शी इज गोइंग टू वेयर ऑन द रेड कार्पेट। सिंस सोनम इज नोन फॉर हर फैशन सेंस, दिस पंजाबी कुड़ी हैज डिसाइडेड टू मेक इट ऑल अबाउट फैमिली ऑन द फ्रेंच सॉइल। सोनम हैज आस्क्ड हर सिस्टर टू स्टाइल हर फॉर कांस। सोनम की सिस्टर डायरेक्टर रिया कपूर पहले भी सोनम को आयशा के लिए स्टाइल कर चुकी हैं, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट शी डज दिस टाइम। एंड फॉर ज्वेलरी टू, सोनम इज प्लानिंग टू बोरो फ्रॉम हर मदर्स कलेक्शन, जो कि एक ज्वेलरी डिजाइनर है। वेल, ये तो रही सोनम की बात, लेकिन जूम को खबर मिली है कि सोनम के अलावा सैफ अली खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, मिनीषा लांबा और मलिका शेरावत भी कांस जाएंगे। वेल, कांस फिल्म फेस्टिवल की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। Now we show you hot and sexy photo shoot of Shilpa Shetty. Enjoy. Although Shilpa Shetty has taken a break from the film industry, she surely hasn't lost her charm. She still looks gorgeous and absolutely fit and fine in this photoshoot, jo ki Shilpa ne ki Marie Claire magazine ke liye. Coming back to Shilpa Shetty's fitness, we asked her how does she feel when she is considered to be one of the fittest actresses in our industry. Logon ne mera naam jo hai synonymous kar diya hai fitness ke saath, so I take that as a huge compliment. Well Shilpa, you surely deserve this compliment. Aakhir aap hain hi itni fit. अब बात करते हैं इनके फोटोशूट की, wherein इनके थे दो चेंजेस एंड नो डाउट ये लग रही थी दोनों ही लुक्स में बहुत ही ब्यूटीफुल। In her first look, she chose to wear a grey and blue long dress, जिसे इन्होंने कैरी किया with a lot of oomph and sensuality. Talking about her second look, Shilpa wore a printed top inside, which she teamed up with a wide-collared blazer and a stylish red knee-length skirt. Is look mein bhi the eye-catching factor was her footwear. The purple unique pair of sandals jo Shilpa ne pehen rakhe the the kafi appealing, and with that hair let loose, you looked quite ravishing, Shilpa. Waise Shilpa, hume bhi ye collection kafi pasand aaya. डॉक्टर मुकेश बत्रा का पेंटिंग एग्जीबिशन, जहां पहुंचे तुषार कपूर एंड अमृता राव।
Love You Mr. Kalakar ke lead actors Tushar Kapoor and Amrita Rao inaugurated Dr. Mukesh Batra and his son Akshay Batra's painting exhibition in an art gallery in Mumbai. इस एग्जीबिशन में मिलना हुआ कई सारे कलाकारों का. तुषार कपूर और अमृता राव तो जाने माने कलाकार हैं ही, लेकिन डॉक्टर मुकेश बत्रा जो कि रिनाउंड डॉक्टर हैं, ही इज आल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट और उनकी ही पेंटिंग को एडमायर कर रहे हैं कलाकार तुषार कपूर एंड अमृता राव. आप जानते हैं कि डॉक्टर बत्रा एक जाने माने होम्योपैथिस्ट है, डॉक्टर है, पर उनकी एक अलग साइड भी है, उनमें एक कला है जो उनके मेडिकल प्रोफेशन से अलग है और वो है कि वो बहुत अच्छा फोटोग्राफ करते हैं. ये एग्जीबिशन एक अच्छे चैरिटेबल कॉज के लिए है. डॉक्टर बत्रा हैज क्लिक्ड मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स इन द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ मालदीव्स, जहां डॉक्टर बत्रा ने हमेशा अपने अंदर के कलाकार को पहचाना है. उनके बेटे का मानना है कि इन मेडिकल प्रोफेशन हमेशा दर्द के बीच रहने की वजह से फोटोग्राफी गिव्स देम अ ब्यूटीफुल ऑप्शन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. व्हाट इंस्पायर्ड मी रियली इज द लव ऑफ लाइफ. आई बिलीव वन मस्ट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड इन एवरी ह्यूमन बीइंग there's a kalakar which is hidden. For both of us, this is really a way of expressing ourselves. We are doctors, and you know, being a doctor, sometimes you see so much of pain and suffering. It kind of hardens you in life. So the fine arts, music, photography, these are all ways to keep yourself attuned to your finer side. इस स्टार स्टार्टेड कलाकारों से भरे एग्जीबिशन की शाम को सभी ने एंजॉय किया, along with a beautiful serene painting. Pantaloons Femina India winners or contestants paid a visit to Lavasa City. Aur kya kuch hua wahan par? Let's check out. Lavasa City is an upcoming tourist destination and Pantaloons Femina Miss India ki contestants recently gai to check the city out. Miss India World Kanishtha, Miss India International Ankita Shori and Miss India Earth Hasleen Kaur ne Lavasa Corporation Limited ke President Mr. Rajgopal Nokja ke saath din mein inaugurate kiya ek resource center jo hai Crystal House mein. Ye resource center is a school that educates the children from economically disadvantaged families. Then the contestants and the winners walked on the ramp in the evening and amidst the ramp walk, Mr. Rajgopal Nokja ne launched kiya Lavasa Holidays Summer Specials. Lavasa is envisioned to be a more of a livable city of the future where one can live, work, learn and play in harmony with nature. And in beauties ki ye masti, water sports etc. dekhkar we couldn't agree more.